जी आप अपने बारे में बताएं, आपको पार्किंसन बीमारी को शुरुआत 1992 में हुई थी। हाँ जी, तो जरा डिटेल में आप अपने बारे में बताएं। अच्छा, 1992 में मृत्यु दिलीप जी मैं सेव करा था, तो सेव मेरे से एकदम रुक गई। उसके बाद में डॉक्टर साहब, कई डॉक्टर लोगों को दिखाया, डॉक्टर साहब उन्होंने पार्किंसन डिजीज का नाम दे दिया। मेडिसिन मैंने खानी शुरू कर दी, उसका कोई फायदा नहीं होता, कभी कुछ कभी जो भी इसमें रहता है पार्किंसन में वो मेरे साथ हुआ। देन 2003 तक मैं तंग आ गया, जब मैं ऑपरेशन कराया नहीं, पेशेंट बहुत कंडीशन थी मेरी। नहीं तो जब आपने ऑपरेशन कराया 2003 में, तो उसके पहले क्या तकलीफ हो गई थी? फिर चले थी ना, रोटी खेल दी थी ना, चाय पिए थी, कुछ ऑपरेशन तो मैंने ही किया था। तो ऑपरेशन के बाद कितना फायदा होगा? ऑपरेशन करने के बाद अपना सारा काम वाम कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। हाँ जी, हाँ जी, तो 2003 से लेकर के फिर आप दोबारा फिर सर्जरी कब हुई? 2008 में बैटरी आपकी बदली गई। तो 2003 से 2008 तक आप बढ़िया बने रहे, इंडिपेंडेंट सारा काम करते हैं। हाँ जी, उसके बाद अभी फिर आप फिर से बैटरी खत्म हो गई आपकी। हाँ जी, अभी आपको फिर थोड़ी तकलीफ होने लगी होगी, थोड़ी सी मूवमेंट से बढ़ने लगी, मूवमेंट बढ़ने लगी। तो हमने जब चेक की तो हमें बैटरी लूज दिखी, तो फिर हमने सोचा कि अब ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा, फिर बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। तो ठीक है, अभी आप कैसे हैं? आपकी कल बैटरी बदल गई है, ठीक है? हाँ जी, तो मैं सही पूरी अच्छी तरह थी। कुछ और आप बताना चाहते हैं इस बीमारी के बारे में और इस सर्जरी के बारे में, जिससे और लोगों को, मरीजों को फायदा हो सके? मैं तो यही कहूंगी डॉक्टर साहब, जो फेवर कर सकते हैं, जिनको ये तकलीफ है वो अवश्य इस सर्जरी को कराएं, क्योंकि उस लाइफ से तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर सर्जरी करवाए तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, आदमी मन में ऐसे मजे बना दी। अच्छा, क्यों मैं कहता हूँ इनको मिसल जाए, बच्ची है अभी दुखी थी, अभी परमात्मा सुन लीजिए, ऑपरेशन करा रहा है, ऑपरेशन ठीक हो गया, 10 साल लाइफ बड़ी जी रही हुई, लड़की बह गई थी। 10 साल तो 13 साल हो गए आपको? 13 साल हो गए, 13 साल हो गए। अभी तक आपने अपना सारा काम कर रहे हैं? हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया।